तो भाई लोग, एक नई मूवी का ट्रेलर आया है द केरला स्टोरी करके, और उसने काफी ज्यादा बज क्रिएट करके रखा है और हाउ हल्ला क्रिएट हो गया है। चाहे वो इंडियन न्यूज चैनल हो या फिर यूट्यूब या सोशल मीडिया, हर जगह इस मूवी की बात हो रही है। तो एक्चुअली में इस मूवी में ऐसा क्या है जो कि कुछ एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसको हर्ट हो रही है और जो दूसरा कम्युनिटी है वो इसको सपोर्ट कर रही है। और ये मूवी मुझे वो कश्मीर फाइल्स की याद दिलाती है जो कि एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड था और उस मूवी को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था लोगों ने। तो क्या इस मूवी को भी उतना ही सपोर्ट मिलेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। बट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेलर आप और मैं एक साथ देखें, फिर एक एक सीन को हम ब्रेक डाउन करेंगे और रियलिटी को जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में ऐसा हुआ था या फिर बस ये फेक स्टोरी है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। ने करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइन की तरह रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। आर यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट? क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनी खेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। जस्ट कम बैक, यू आर नॉट सेफ शालिनी, प्लीज कम बैक। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भाग कर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। लिटरली ये ट्रेलर देखने के बाद अपना जो रूह है ना वो कांप गई है। अगर ये सच्ची स्टोरी पे बेस्ड मूवी है तो फिर सच में गौर करने वाली बात। इसमें एक सीन दिखाया गया है, उसमें वो कह रहा है कि सिर्फ एक ही गॉड है दुनिया में और वो है अल्लाह। और एक सीन में हम ये भी देखते हैं कि जो शालिनी की सहेली रहती है वो कैसे शालिनी को फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, उसकी जो धार्मिक सेंटीमेंट है उसको बार बार पंच करके। जैसे वो कह रही है कि तुम किस भगवान को पसंद करते हो, तो वो कहती है शिव जी को, और शिव जी के ऊपर उन्होंने कैसा कमेंट किया है, और इस तरह के मतलब धार्मिक सेंटीमेंट को हट करके वो उसका धर्म कन्वर्जन करने की कोशिश करती है। इस मूवी का स्टोरी तो हमें पता चल गया है कि केरला में एक लड़की रहती है जो उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है, और उसके बाद वो आइसिस के जंगल में फंस के अफगानिस्तान जैसे टेरिटरी में पहुंच जाती है जहां पे वो आइसिस के लिए काम कर रही होती है। स्टोरी तो कुछ इसी तरह का होने वाला है, और आइसिस वही आइसिस है जो कि 2011-12-13-14 में काफी ज्यादा फैल चुका था, अफगानिस्तान तक उसका पैर पसर चुका था। अभी ऐसा नहीं है, और केरल में इस तरह के इशू पहले भी बहुत उठते रहे हैं, और केरल में काफी सारी फंडिंग भी आती है बाहर से इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए।
और इसमें एक लाइन ये भी कहा गया था कि चीफ मिनिस्टर जो कि पहली बात कर चुके हैं कि केरला के इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि PFI आपको याद होगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसको बैन कर दिया अभी इंडिया ने। वो इस तरह के काम करने के लिए जानी जाती है और इस तरह के सीन वो पहले से ही बहुत पहले से ही कर रही थी। अगर ये रियल स्टोरी है तो बहुत सारे राज खुलने अभी बाकी है। फिल्म देखने से काफी अच्छा लग रहा है और आपका भाई जरूर देखेगा इस मूवी को। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूँ विशाल।